हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो यहाँ पर मैंने सारी ऐसी इंफॉर्मेशन भी दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक like यहां पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी यह कहां पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2020 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वी के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मींस इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये, ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकता है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी एक्शन एंड उसी के साथ साथ थ्रिल उसी के साथ साथ क्राइम ड्रामा ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को फैमिली इम्पोर्टेंस भी देखने को मिलेगी जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को नैनी सुधीर बाबू निविता थॉमस और उसी के साथ साथ अदिति राव हैदरी और भी बहुत सारे बहुत सारे सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स एक्टर्स लेजेंडरी आप लोगों को इस मूवी की यहां पर स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन

जैसे माया बाज़ार गोलकोंदा हाई स्कूल ऐसी बहुत सारी मूवीज़ आप लोगों को उन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है हिंदी में अवेलेबल है या नहीं तो ये एक प्योर तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफ़िनेटली देखना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो हाँ ठीक ठाक रखी गई है तकरीबन एवरेज सी इस मूवी की टाइम डोरेशन है कितनी टाइम डोरेशन है यह मैं आप लोगों को बता देता हूं तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा डिसेंट सी टाइम डोरेशन है दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी टाइम डोरेशन है आई रेटिंग की बात करें तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज की तरफ से यहाँ पर जो लाइक किया गया वो है जी सिक्सेंट तक जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की सारी की सारी स्टोरी लाइन को किसने लिखा है तो इस मूवी की स्टोरी लाइन को मोहना कृष्ण इंद्र गांधी ने ही लिखा है जो कि काफी अच्छे तरीके से लिखी गई है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के प्रोड्यूसर्स कौन है तो दिल राजू शीरिश लक्ष्मण और हर्षित रेड्डी आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो पी जी विंदा आप लोगों तो इस मूवी की को संभालते हुए नजर आएंगे एडिटिंग की बात करें तो मराथन के वेंकटेश आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे जी थमन और अमित वेडी प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे तो यह काफी अच्छी मूवी है जिसे आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा देखना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन भी दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक like यहां पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी यह कहां पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2020 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वी के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मींस इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकता है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी एक्शन एंड उसी के साथ साथ थ्रिल उसी के साथ साथ क्राइम ड्रामा ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को फैमिली इंपॉर्टेंस भी देखने को मिलेगी जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देख को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को नैनी सुधीर बाबू निविता थॉमस और उसी के साथ साथ अदिति राव हैदरी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन

ऐसे माया बाजार गोलकोंदा हाई स्कूल ऐसी बहुत सारी मूवीज़ आप लोगों को उन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है हिंदी में अवेलेबल है या नहीं तो ये एक प्योर तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो हाँ ठीक ठाक रखी गई है तकरीबन एवरेज सी इस मूवी की टाइम डोरेशन है कितनी टाइम डोरेशन है यह मैं आप लोगों को बता देता हूं तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा डिसेंट सी टाइम डोरेशन है दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी टाइम डोरेशन है आई रेटिंग की बात करें तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज की तरफ से यहाँ पर जो लाइक किया गया वो है जी सिक्सेंट तक जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की की सारी की सारी स्टोरी लाइन को किसने लिखा है तो इस मूवी की स्टोरी लाइन को मोहना कृष्ण इंद्रगांती ने ही लिखा है जो कि काफी अच्छे तरीके से लिखी गई है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के प्रोड्यूसर्स कौन है तो दिल राजू शिरीश लक्ष्मण और हर्षित रेड्डी आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो पी जी विंदा आप लोगों को मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे एडिटिंग की बात करें तो मराथन के वेंकटेश आप लोगों को इसकी एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे जी थमन एस और अमित त्रिवेदी प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे तो ये काफी अच्छी मूवी है जिसे आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा देखना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है तो यहाँ पर मैंने सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन भी दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक like यहां पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2020 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वी के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई है मींस इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या यह एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की यह मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकता है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहां पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी एक्शन एंड उसी के साथ साथ थ्रिल उसी के साथ साथ क्राइम ड्रामा ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को फैमिली इंपॉर्टेंस भी देखने को मिलेगी जो कि लिटरली काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को न नी सुधीर बाबू निविता थॉमस और उसी के साथ साथ अदिति राव हैदरी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहां पर स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी मोहन कृष्ण इंद्र गांधी ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के यहाँ पर जो है जिन्होंने डायरेक्शन को कंट्रोल किया है उनकी पास्ट मूवीज कौन कौन सी है तो उसी के साथ साथ यहां पर मैं आप लोगों को बताता चलूं उनकी पास्ट मूवीज में आप लोगों को जेंटलमैन उसी के साथ साथ पावर अनलिमिटेड अम्मी थूमी आस्था चम्मा जेंटलमैन और और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज आप लोगों को जैसे माया बाजार गोलकोंदा हाई स्कूल ऐसी बहुत सारी मूवीज़ आप लोगों को उन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है हिंदी में अवेलेबल है या नहीं तो ये एक प्योर तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में एंड अभी फ़ाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे साथ से आप लोगों को बढ़ते हुए कितनी रखी गई है क्या ये बहुत ज्यादा बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो हाँ ठीक ठाक रखी गई है तकरीबन एवरेज सी इस मूवी की टाइम है कितनी टाइम ड्यूरेशन है यह मैं आप लोगों को बता देता हूं तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक, एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन है आई रेटिंग की बात करें तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करते चलेंगे इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से यहां पर जो लाइक किया गया वो है सिक्सटी टू परसेंट तक जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की सारी की सारी स्टोरी लाइन को किसने लिखा है तो इस मूवी की स्टोरी लाइन को मोहना कृष्ण इंद्र गांधी ने ही लिखा है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से लिखी गई है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के प्रोड्यूसर्स कौन हैं तो दिल राजू शीरिष लक्ष्मण और हर्षित रेड्डी आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो पी जी विंदा आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे एडिटिंग की बात करें तो मराथन के वेंकटेश आप लोगों को इसकी एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे जी एस और अमित वेडी प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को श्री वेंकटेश्वर सिंह क्रिएशन आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे तो ये काफी अच्छी मूवी है जिसे आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा देखना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2020 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हां इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहां पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है तो यहां पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन भी दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहां पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित तो हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल दो में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वी के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मींस इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकता है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी एक्शन एंड उसी के साथ साथ थ्रिल उसी के साथ साथ क्राइम ड्रामा ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को फैमिली इंपॉर्टेंस भी देखने को मिलेगी जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को नैनी सुधीर बाबू निविता थॉमस और उसी के साथ साथ अदिति राव हैदरी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहां पर स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी मोहना कृष्ण इंद्र गांधी ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी के यहाँ पर जो है जिन्होंने डायरेक्शन को कंट्रोल किया है उनकी पास्ट मूवीज़ कौन कौन सी हैं तो उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि उनकी पास्ट मूवीज़ में आप लोगों को जेंटलमैन उसी के साथ साथ पावर अनलिमिटेड अम्मी थुमी आस्था चम्मा जेंटलमैन और और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ आप लोगों को जैसे माया बाज़ार गोलकोंदा हाई स्कूल ऐसी बहुत सारी मूवीज़ आप लोगों को उन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया है है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है हिंदी में अवेलेबल है या नहीं तो ये एक प्योर तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो टाइम कितनी रखी गई है तकरीबन तो 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 एवरेज सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है कितनी टाइम डोरेशन है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा ड्यूरेशन है दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज एवरेजी टाइम डोरेशन है आई रेटिंग की बात करें तो सिक्स आउट ऑफ टेन मूवी की आई रेटिंग है जो कि अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से यहां पर जो लाइक किया गया वो है जी 62 परसेंट तक जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की सारी की सारी, सारी स्टोरी लाइन को किसने लिखा है तो इस मूवी की स्टोरी लाइन को कृष्ण इंद्र गांधी ने लिखा है जो कि काफी अच्छे तरीके से लिखी गई है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के प्रोड्यूसर्स कौन हैं तो दिल राजू शिरीश लक्ष्मण और हर्षित रेड्डी आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो पी जी विंदा आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे एडिटिंग की बात करें तो मराथन के वेंकटेश आप लोगों को इसकी एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे जी थमन एस और अमित त्रिवेद प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे तो ये काफी अच्छी मूवी है जिसे आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा देखना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो यहाँ पर मैंने सारी ऐसी इंफॉर्मेशन भी दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक like यहां पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी यह कहां पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2020 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वी के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई है मींस इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन एक मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की यह मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकता है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी एक्शन एंड उसी के साथ साथ थ्रिल उसी के साथ साथ क्राइम ड्रामा ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को फैमिली इंपॉर्टेंस भी देखने को मिलेगी जो कि लिटरली काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को ने नी सुधीर बाबू निविता थॉमस और उसी के साथ साथ अदिति राव हैदरी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी मोहना कृष्ण गांधी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के यहाँ पर जो है जिन्होंने डायरेक्शन को कंट्रोल किया है उनकी पास्ट मूवीज़ कौन कौन सी हैं तो उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि उनकी पास्ट मूवीज़ में आप लोगों को जेंटलमैन उसी के साथ साथ पावर अनलिमिटेड अम्मी थुमी आस्था चम्मा जेंटलमैन और और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ आप लोगों को जैसे माया बाजार गोलकोंदा हाई स्कूल ऐसी बहुत सारी मूवीज आप लोगों को उन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है हिंदी में अवेलेबल है या नहीं तो ये एक प्योर तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी एमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे एक डेफिनेटली देखना चाहिए कितनी रखी गई है क्या ये बहुत ज्यादा बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो हाँ ठीक ठाक रखी गई है तकरीबन एवरेज सी इस मूवी की टाइम है कितनी टाइम ड्यूरेशन है यह मैं आप लोगों को बता देता हूं तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा सी टाइम ड्यूरेशन है दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन है आई रेटिंग की बात करें तो सिक्स आउट ऑफ टेन मूवी की आई रेटिंग है जो कि अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से यहां पर जो लाइक किया गया वो है ट तक जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की सारी की सारी स्टोरी लाइन को किसने लिखा है तो इस मूवी की स्टोरी लाइन को मोहना कृष्ण इंद्र गांधी ने ही लिखा है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से लिखी गई है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के प्रोड्यूसर्स कौन हैं तो दिलराजू शीरिष लक्ष्मण और हर्षित रेड्डी आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो पी जी विंदा आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे एडिटिंग की बात करें तो मराथन के वेंकटेश आप लोगों को इसकी एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे जी थमन एस और अमित त्रिवेड़ी प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को श्री वेंकटेश्वर सि क्रिएशन आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा देखना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2020 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन भी दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहां पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित तो हो सकती है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2020 में ही रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वी के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मींस इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकता है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी एक्शन एंड उसी के साथ साथ थ्रिल उसी के साथ साथ क्राइम ड्रामा ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को फैमिली इंपॉर्टेंस भी देखने को मिलेगी जो कि लिटरली काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को नैनी सुधीर बाबू निविता थॉमस और उसी के साथ साथ अदिति राव हैदरी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहां पर स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया किया है जी मोहना कृष्ण इंद्रगांती ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के यहां पर जो है जिन्होंने डायरेक्शन को कंट्रोल किया है उनकी पास्ट मूवीज कौन कौन सी है, तो उसी के साथ साथ यहां पर मैं आप लोगों को बताता चलूं उनकी पास्ट मूवीज में आप लोगों को जेंटलमैन उसी के साथ साथ पावर अनलिमिटेड अम्मी थूमी आस्था चम्मा जेंटलमैन और और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज आप लोगों को जैसे मायाबाल बाजार गोलकोंदा हाई स्कूल ऐसी बहुत सारी मूवीज आप लोगों को उन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है हिंदी में अवेलेबल है या नहीं तो ये एक प्योर तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में एंड अभी फाइनली

एवरेज एवरेजी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है कितनी टाइम ड्यूरेशन है यह मैं आप लोगों को बता देता हूं तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन है आई रेटिंग की बात करें तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ

फोटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे एडिटिंग की बात करें तो मराथन के वेंकटेश आप लोगों को इसकी एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे जी थमन एस और अमित त्रिवेडी प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे तो ये काफी अच्छी मूवी है जिसे आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा देखना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2020 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन भी दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहां पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2020 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वी के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मींस इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकता है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा, होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी एक्शन एंड उसी के साथ साथ थ्रिल उसी के साथ साथ क्राइम ड्रामा ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को फैमिली इंपॉर्टेंस भी देखने को मिलेगी जो कि लिटरली काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को नैनी सुधीर बाबू निविता थॉमस और उसी के साथ साथ अदिति राव हैदरी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहां पर स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी मोहना कृष्ण इंद्र गांधी ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के यहाँ पर जो है जिन्होंने डायरेक्शन को कंट्रोल किया है उनकी पास्ट मूवीज कौन कौन सी है तो उसी के साथ साथ यहां पर मैं आप लोगों को बताता चलूं कि उनकी पास्ट मूवीज में आप लोगों को जेंटलमैन उसी के साथ साथ पावर अनलिमिटेड अम्मी थूमी आस्था चम्मा जेंटलमैन और और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ आप लोगों को जैसे माया बाज़ार गोलकोंदा हाई स्कूल ऐसी बहुत सारी मूवीज़ आप लोगों को उन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है हिंदी में अवेलेबल है या नहीं तो ये एक प्योर तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है जिसे में हिंदी प्लस तेलगु दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी प्राइम वीडियो पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी रखी गई है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो हाँ ठीक ठाक रखी गई है तकरीबन एवरेज सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है कितनी टाइम ड्यूरेशन है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन है आई रेटिंग की बात करें तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इस को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्सेंट की की तक तो की स्टोरी लाइन को मोहना कृष्ण इंद्र गांधी ने ही लिखा है जो कि काफी अच्छे तरीके से लिखी गई है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन है तो दिलराजू शिरीश लक्ष्मण और हर्षित रेड्डी आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो पी जी विंदा आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे एडिटिंग की बात करें तो मरथन के वेंकटेश आप लोगों को इसकी एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे जी थमन एस और अमित त्रिवेडी प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे तो ये काफी अच्छी मूवी है जिसे आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा देखना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन भी दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2020 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वी के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मींस इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकता है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी एक्शन एंड उसी के साथ साथ थ्रिल उसी के साथ साथ क्राइम ड्रामा ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को फैमिली इंपॉर्टेंस भी देखने को मिलेगी जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को नैनी सुधीर बाबू निविता थॉमस और उसी के साथ साथ अदिति राव हैदरी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहां पर स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी मोहना कृष्ण इंद्र गांधी ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है उसी के के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी पर जो है जिन्होंने डायरेक्शन को कंट्रोल किया है उनकी पास्ट मूवीज कौन कौन सी हैं तो उसी के साथ साथ यहां पर मैं आप लोगों को बताता चलूं कि उनकी पास्ट मूवीज में आप लोगों को जेंटलमैन उसी के साथ साथ पावर अनलिमिटेड अम्मी थूमी आस्था चम्मा जेंटलमैन और और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ आप लोगों को जैसे माया बाज़ार गोलकोंदा हाई स्कूल ऐसी बहुत सारी मूवीज़ आप लोगों को उन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फ़ाइनली ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है हिंदी में अवेलेबल है या नहीं तो ये एक प्योर तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है जिसे

रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो हाँ ठीक ठाक रखी गई है तकरीबन तो एवरेज सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है कितनी टाइम ड्यूरेशन है ये मैं आप लोगों को बता देता हूं तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन है आई रेटिंग की बात करें तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करते चले कितने परसेंट तक लाइक किया गया इंद्र गांधी ने ही लिखा है जो कि काफी अच्छे तरीके से लिखी गई है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन है तो दिलराजू शिरीश लक्ष्मण और हर्षित रेड्डी आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो पी जी विंदा आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे एडिटिंग की बात करें तो मराथन के वेंकटेश आप लोगों को इसकी एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे जी थमन एस और अमित त्रिवेडी प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को श्री वेंटेश्वर क्रिएशन आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे तो ये काफी अच्छी मूवी है जिसे आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा देखना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो यहाँ पर मैंने सारी ऐसी इंफॉर्मेशन भी दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक like यहां पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी यह कहां पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल दो में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वी के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मींस इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिक ल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकता है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी एक्शन एंड उसी के साथ साथ थ्रिल उसी के साथ साथ क्राइम ड्रामा ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को फैमिली इंपॉर्टेंस भी देखने को मिलेगी जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को नैनी सुधीर बाबू निविता थॉमस और उसी के साथ साथ अदिति राव हैदरी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहां पर स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी मोहन कृष्ण इंद्रगांती ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है उसी के साथ-साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के यहाँ पर जो है जिन्होंने डायरेक्शन को कंट्रोल किया है उनकी पास्ट मूवीज कौन-कौन सी हैं तो उसी के साथ-साथ यहां पर मैं आप लोगों को बताता चलूं कि उनकी पास्ट मूवीज में आप लोगों को जेंटलमैन उसी के साथ-साथ पावर अनलिमिटेड अमित थुमी आस्था चम्मा जेंटल मैन और, और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ आप लोगों को जैसे माया बाज़ार गोलकोंदा हाई स्कूल ऐसी बहुत सारी मूवीज़ आप लोगों को उन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फ़ाइनली ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है हिंदी में अवेलेबल है या नहीं तो ये एक प्योर तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में एंड अभी फाइनली मूवी अवेलेबल है जी प्राइम वीडियो पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी रखी गई है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो हाँ ठीक ठाक रखी गई है तकरीबन तो एवरेज सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है कितनी टाइम ड्यूरेशन है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन है आई रेटिंग की बात करें तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से पर जो लाइक किया गया वो है जी परसेंट तक जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की सारी की सारी स्टोरी लाइन को किसने लिखा है तो इस मूवी की स्टोरी लाइन को मोहना कृष्ण इंद्रगांती ने ही लिखा है जो कि काफी अच्छे तरीके से लिखी गई है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के प्रोड्यूसर्स कौन है तो दिलराजू राजू लक्ष्मण और हर्षित रेड्डी आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर

हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है तो यहाँ पर मैंने सारी ऐसी इंफॉर्मेशन भी दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक like यहां पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी यह कहां पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एन बात करते हैं साल दो हज़ार बीस में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वी के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मींस इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिक मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकता है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी एक्शन एंड उसी के साथ साथ थ्रिल उसी के साथ साथ क्राइम ड्रामा ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को फैमिली इंपॉर्टेंस भी देखने को मिलेगी जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को नैनी सुधीर बाबू निविता थॉमस और उसी के साथ साथ अदिति राव हैदरी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी मोहना कृष्ण इंद्र गांधी ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी की डायरेक्शन को कंट्रोल किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते यहां पर मैं आप लोगों को बताता चलूं उनकी पास्ट मूवीज में आप लोगों को जेंटलमैन उसी के साथ साथ पावर अनलिमिटेड अम्मी थुमी आस्था छमा जेंटल मैन और और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ आप लोगों को जैसे माया बाज़ार गोलकोंदा हाई स्कूल ऐसी बहुत सारी मूवीज़ आप लोगों को उन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फ़ाइनली ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है हिंदी में अवेलेबल है या नहीं तो ये एक प्योर तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में एंड अभी फाइनली मूवी अवेलेबल है जी प्राइम वीडियो पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी रखी गई है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी की गई है तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो हाँ ठीक ठाक रखी गई है तकरीबन तो एवरेज सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है कितनी टाइम ड्यूरेशन है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन है आई रेटिंग की बात करें तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से पर जो लाइक किया गया वो है जी 62 तक जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की सारी की सारी स्टोरी लाइन को किसने लिखा है तो इस मूवी की स्टोरी लाइन को मोहना कृष्ण इंद्रगांती ने ही लिखा है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से लिखी गई है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के प्रोड्यूसर्स कौन है तो दिलराजू राजू लक्ष्मण और हर्षित रेड्डी आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो पी जी विंदा आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे एडिटिंग की बात करें तो मराथन के वेंकटेश आप लोगों को इसकी एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे जी थम एस और अमित अमित्रिवेडी प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे तो ये काफी अच्छी मूवी है जिसे आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा देखना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है तो यहाँ पर मैंने सारी ऐसी इंफॉर्मेशन भी दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक like यहां पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी यह कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2020 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वी के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मीन इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिक ल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकता है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी एक्शन एंड उसी के साथ साथ थ्रिल उसी के साथ साथ क्राइम ड्रामा ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को फैमिली इम्पोर्टेंस भी देखने को मिलेगी जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देख को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को नैनी सुधीर बाबू निविता थॉमस और उसी के साथ साथ अदिति राव हैदरी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी मोहन कृष्ण ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से पर को किया है, उनकी पास्ट मूवीज कौन कौन सी हैं तो उसी के साथ साथ यहां पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ की उनकी पास्ट मूवीज में आप लोगों को जेंटलमैन उसी के साथ साथ पावर अनलिमिटेड अम्मी थुमी आस्था चम्मा जेंटलमैन और और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ आप लोगों को जैसे माया बाज़ार गोलकोंदा हाई स्कूल ऐसी बहुत सारी मूवीज़ आप लोगों को उन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है हिंदी में अवेलेबल है या नहीं तो ये एक प्योर तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है जिसे में हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में एंड अभी फाइनली मूवी अवेलेबल है जी प्राइम वीडियो पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी रखी गई है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो हाँ ठीक ठाक रखी गई है तकरीबन तो एवरेज सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है कितनी टाइम ड्यूरेशन है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन है आई रेटिंग की बात करें तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करते चलेंगे कि इस मूवी को Google Google के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से यहाँ पर जो लाइक किया गया वो है जी सिक्सटी तक जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की सारी की सारी स्टोरी लाइन को किसने लिखा है तो इस मूवी की स्टोरी लाइन को मोहना कृष्ण इंद्रगांती ने ही लिखा है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से लिखी गई है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के प्रोड्यूसर्स कौन है तो दिलराजू राजू लक्ष्मण और हर्षित रेड्डी आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो पी जी विंदा आप लोगों को इस मूवी की, संभालते की तो को, को संभालते हुए नजर आएंगे एडिटिंग की बात करें तो मरथन के वेंकटेश आप लोगों को को इसकी एडिटिंग संभालते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे जी एस और अमित अमित्रीवेडी प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे तो ये काफी अच्छी मूवी है जिसे आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा देखना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन भी दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2020 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वी के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मीन्स इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेट टिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकता है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी एक्शन एंड उसी के साथ साथ थ्रिल उसी के साथ साथ क्राइम ड्रामा ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को फैमिली इंपॉर्टेंस भी देखने को मिलेगी जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को नैनी सुधीर बाबू निविता थॉमस और उसी के साथ साथ अदिति राव हैदरी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहां पर स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी मोहन कृष्ण इंद्रगांती ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है उसी के के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी पर जो है जिन्होंने डायरेक्शन को कंट्रोल किया है उनकी पास्ट मूवीज कौन कौन सी हैं तो उसी के साथ साथ यहां पर मैं आप लोगों को बताता चलूं कि उनकी पास्ट मूवीज में आप लोगों को जेंटलमैन उसी के साथ साथ पावर अनलिमिटेड अम्मी थूमी आस्था चम्मा जेंटल मैन और, और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ आप लोगों को जैसे माया बाज़ार गोलकोंदा हाई स्कूल ऐसी बहुत सारी मूवीज़ आप लोगों को उन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फ़ाइनली ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है हिंदी में अवेलेबल है या नहीं तो ये एक प्योर तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है जिसे

की गई है तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो हाँ ठीक ठाक रखी गई है तकरीबन तो एवरेज सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है कितनी टाइम ड्यूरेशन है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन है आई रेटिंग की बात करें तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी को Google Google के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से यहाँ पर जो जो लाइक किया गया वो है जी 62 तक कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की सारी की सारी स्टोरी लाइन को किसने लिखा है तो इस मूवी की स्टोरी लाइन को मोहना कृष्ण इंद्रगांती गांधी ने लिखा है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से लिखी गई है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के प्रोड्यूसर्स कौन है तो दिलराजू राजू लक्ष्मण और हर्षित रेड्डी आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो पी जी विंदा आप लोगों को इस मूवी की को संभालते हुए नजर आएंगे एडिटिंग की बात करें तो मरथन के वेंकटेश आप लोगों को इसकी एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे जी थमन एस और अमित अमित्रिवेडी प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे तो ये काफी अच्छी मूवी है जिसे आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा देखना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो यहाँ पर मैंने सारी ऐसी इंफॉर्मेशन भी दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक like यहां पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी यह कहां पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2020 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वी के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मींस इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकता है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही यह होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी एक्शन एंड उसी के साथ साथ थ्रिल उसी के साथ साथ क्राइम ड्रामा ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को फैमिली इंपॉर्टेंस भी देखने को मिलेगी जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को नैनी सुधीर बाबू निविता थॉमस और उसी के साथ साथ अदिति राव हैदरी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहां पर स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन

जैसे माया बाज़ार गोलकोंदा हाई स्कूल ऐसी बहुत सारी मूवीज़ आप लोगों को उन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर रिप्रजेंट किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है हिंदी में अवेलेबल है या नहीं तो ये एक प्योर तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो हाँ ठीक ठाक रखी गई है तकरीबन तो एवरेज सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है कितनी टाइम ड्यूरेशन है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन है आई रेटिंग की बात करें तो पॉइंट आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से पर जो जो लाइक किया गया वो है है जी 62 तक कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की सारी की सारी स्टोरी लाइन को किसने लिखा है तो इस मूवी की स्टोरी लाइन को मोहना कृष्ण इंद्र ने ही लिखा है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से लिखी गई है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के प्रोड्यूसर्स कौन है तो दिलराजू राजू लक्ष्मण और हर्षित रेड्डी आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर सर्ज में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो पी जी विंदा आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे एडिटिंग की बात करें तो मरथन के वेंकटेश आप लोगों को इसकी एडिटिंग को संभालते हुए नज़र आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे जी थमन एस और अमित अमित्रिवेडी प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को श्री वेंकटेश्वर सि क्रिएशन आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा देखना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है तो यहाँ पर मैंने सारी ऐसी इंफॉर्मेशन भी दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक like यहां पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी यह कहां पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2020 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वी के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मींस इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकता है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी एक्शन एंड उसी के साथ साथ थ्रिल उसी के साथ साथ क्राइम ड्रामा ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को फैमिली इंपॉर्टेंस भी देखने को मिलेगी जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को नैनी सुधीर बाबू निविता थॉमस और उसी के साथ साथ अदिति राव हैदरी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन

जैसे माया बाज़ार गोलकोंदा हाई स्कूल ऐसी बहुत सारी मूवीज़ आप लोगों को उन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है? है हिंदी में अवेलेबल है या नहीं तो ये एक प्योर तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी प्राइम वीडियो पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम डोरेशन कितनी रखी गई है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो हाँ ठीक ठाक रखी गई है तकरीबन तो एवरेज सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है कितनी टाइम ड्यूरेशन है, है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक, एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन है आई रेटिंग की बात करें तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करते चलेंगे इस मूवी को Google के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से पर जो जो लाइक किया गया वो है है जी 62 तक कि कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की की सारी की सारी स्टोरी लाइन को किसने लिखा है तो इस मूवी की स्टोरी लाइन को मोहना कृष्ण इंद्रगांती ने लिखा है जो कि काफी अच्छे तरीके से लिखी गई है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के प्रोड्यूसर्स कौन है तो दिलराजू राजू लक्ष्मण और हर्षित रेड्डी आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर सर्ज में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो पी जी विंदा आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे एडिटिंग की बात करें तो मराथन के वेंकटेश आप लोगों को इसकी एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे जी थम एस और अमित अमित्रिवेडी प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे तो ये काफी अच्छी मूवी है जिसे आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा देखना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है तो यहाँ पर मैंने सारी ऐसी इंफॉर्मेशन भी दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक like यहां पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी यह कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2020 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वी के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मींस इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकता है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी एक्शन एंड उसी के साथ साथ थ्रिल उसी के साथ साथ क्राइम ड्रामा ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को फैमिली इंपॉर्टेंस भी देखने को मिलेगी जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देख को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को नैनी सुधीर बाबू निविता थॉमस और उसी के साथ साथ अदिति राव हैदरी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन

जैसे माया बाजार गोलकोंदा हाई स्कूल ऐसी बहुत सारी मूवीज़ आप लोगों को उन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है? है हिंदी में अवेलेबल है या नहीं तो ये एक प्योर तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो हाँ ठीक ठाक रखी गई है तकरीबन तो एवरेज सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है कितनी टाइम ड्यूरेशन है यह मैं आप लोगों को बता देता हूं तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन है आई रेटिंग की बात करें तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज यूजर्स की तरफ से यहाँ पर जो लाइक किया गया वो है जी सिक्सेंट तक जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की सारी की सारी स्टोरी लाइन को किसने लिखा है तो इस मूवी की स्टोरी लाइन को मोहना कृष्ण इंद्र गांधी ने ही लिखा है जो कि काफी अच्छे तरीके से लिखी गई है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के प्रोड्यूसर्स कौन है तो दिल राजू शिरीश लक्ष्मण और हर्षित रेड्डी आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो पी जी विंदा आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे एडिटिंग की बात करें तो मराथन के वेंकटेश आप लोगों को इसकी एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे जी थामन एस और अमित त्रिवेदी प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे तो ये काफी अच्छी मूवी है जिसे आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा देखना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन भी दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक like यहां पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी यह कहां पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2020 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वी के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई है मींस इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की यह मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि यह वो क्वेश्चन है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकता है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाए तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहां पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी एक्शन एंड उसी के साथ साथ थ्रिल उसी के साथ साथ क्राइम ड्रामा ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को फैमिली इंपॉर्टेंस भी देखने को मिलेगी जो कि लिटरली काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को नैनी, सुधीर बाबू निविता थॉमस और उसी के साथ साथ अदिति राव हैदरी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी मोहना कृष्ण इंद्र ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के यहाँ पर जो है जिन्होंने डायरेक्शन को कंट्रोल किया है उनकी पास्ट मूवीज कौन कौन सी हैं तो उसी के साथ साथ यहां पर मैं आप लोगों को बताता चलूं उनकी पास्ट मूवीज में आप लोगों को जेंटलमैन उसी के साथ साथ पावर अनलिमिटेड अम्मी थमी आस्था चम्मा जेंटलमैन और और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज आप लोगों को जैसे माया बाजार गोलकोंदा हाई स्कूल ऐसी बहुत सारी मूवीज़ आप लोगों को उन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फ़ाइनली ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है हिंदी में अवेलेबल है या नहीं तो ये एक प्योर तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में एंड अभी फ़ाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक तो डेफिनेटली देखना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम डोरेशन कितनी रखी गई है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो हाँ ठीक ठाक रखी गई है तकरीबन एवरेज सी इस मूवी की टाइम डोरेशन है कितनी टाइम ड्यूरेशन है यह मैं आप लोगों को बता देता हूं तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक, एक एवरेज टाइम ड्यूरेशन है बी रेटिंग की बात करें तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करते चलेंगे इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से यहां पर जो लाइक किया गया वो है सिक्सटी टू परसेंट तक जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की सारी की सारी स्टोरी लाइन को किसने लिखा है तो इस मूवी की स्टोरी लाइन को मोहना कृष्ण इंद्रगांती ने ही लिखा है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से लिखी गई है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के प्रोड्यूसर्स कौन हैं तो दिल राजू लक्ष्मण और हर्षित रेड्डी आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो पी जी विंदा आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे एडिटिंग की बात करें तो मराथन के वेंकटेश आप लोगों को इसकी एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे जी थमन एस और अमित त्रिवेदी प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को श्री वेंकटेश्वर सिन क्रिएशन आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे तो ये काफी अच्छी मूवी है जिसे आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा देखना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन भी दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक like यहां पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी यह कहां पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2020 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वी के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई है मींस इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है <ROMAN2> रोमांटिक मूवी है किस तरह की यह मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकता है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी एक्शन एंड उसी के साथ साथ थ्रिल उसी के साथ साथ क्राइम ड्रामा ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को फैमिली इंपॉर्टेंस भी देखने को मिलेगी जो कि लिटरली काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को नैनी सुधीर बाबू निविता थॉमस और उसी के साथ साथ अदिति राव हैदरी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी मोहना कृष्ण गांधी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के यहाँ पर जो है जिन्होंने डायरेक्शन को कंट्रोल किया है उनकी पास्ट मूवीज कौन कौन सी हैं तो उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि उनकी पास्ट मूवीज में आप लोगों को जेंटलमैन उसी के साथ साथ पावर अनलिमिटेड अम्मी थमी आस्था चम्मा जेंटलमैन और और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज आप लोगों को जैसे माया बाजार गोलकोंदा हाई स्कूल ऐसी बहुत सारी मूवीज आप लोगों को उन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है हिंदी में अवेलेबल है या नहीं तो ये एक प्योर तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी अमेजोन प्राइम वीडियो पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी रखी गई है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो हाँ ठीक ठाक रखी गई है तकरीबन एवरेज सी इस मूवी की टाइम डोरेशन है कितनी टाइम ड्यूरेशन है यह मैं आप लोगों को बता देता हूं तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक, एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन है बी रेटिंग की बात करें तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से यहां पर जो लाइक किया गया वो है जी ट तक जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की सारी की सारी स्टोरी लाइन को किसने लिखा है तो इस मूवी की स्टोरी लाइन को मोहना कृष्ण इंद्रगांती ने ही लिखा है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से लिखी गई है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के प्रोड्यूसर्स कौन हैं तो दिल राजू लक्ष्मण और हर्षित रेड्डी आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो पी जी विंदा आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे एडिटिंग की बात करें तो मराथन के वेंकटेश आप लोगों को इसकी एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे जी थमन एस और अमित अमित्रिवेडी प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को श्री वेंकटेश्वर सि क्रिएशन आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा देखना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2020 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हां इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन भी दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहां पर मैंने शेयर किया है कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहां पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित तो हो सकती है तो वीडियो काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2020 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वी के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मींस इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकता है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी एक्शन एंड उसी के साथ साथ थ्रिल उसी के साथ साथ क्राइम ड्रामा ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को फैमिली इंपॉर्टेंस भी देखने को मिलेगी जो कि लिटरली काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को नैनी सुधीर बाबू निविता थॉमस और उसी के साथ साथ अदिति राव हैदरी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी मोहना कृष्ण इंद्रगांती ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के यहाँ पर जो है जिन्होंने डायरेक्शन को कंट्रोल किया है उनकी पास्ट मूवीज़ कौन कौन सी हैं तो उसी के साथ साथ यहां पर मैं आप लोगों को बताता चलूं उनकी पास्ट मूवीज में आप लोगों को जेंटलमैन उसी के साथ साथ पावर अनलिमिटेड अम्मी थमी आस्था चम्मा जेंटलमैन और और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज आप लोगों को जैसे मायाबाद बाजार गोलकोंदा हाई स्कूल ऐसी बहुत सारी मूवीज आप लोगों को उन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है हिंदी में अवेलेबल है या नहीं तो ये एक प्योर तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में एंड अभी फाइनली

एवरेज सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है कितनी टाइम ड्यूरेशन है यह मैं आप लोगों को बता देता हूं तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन है आई रेटिंग की बात करें तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से यहाँ पर जो लाइक किया गया वो है जी सिक्सटी टू परसेंट तक जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की सारी की सारी स्टोरी लाइन को किसने लिखा है तो इस मूवी की स्टोरी लाइन को मोहना कृष्ण इंद्रगांती ने ही लिखा है जो कि काफी अच्छे तरीके से लिखी गई है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के प्रोड्यूसर्स कौन हैं तो दिल राजू लक्ष्मण और हर्षित रेड्डी आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो पी जी विंदा आप लोगों को इस मूवी की सिनेमा फोटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे एडिटिंग की बात करें तो मराथन के वेंकटेश आप लोगों को इसकी एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे जी थमन एस और अमित त्रिवेडी प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे तो ये काफी अच्छी मूवी है जिसे आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा देखना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2020 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन भी दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया कि ये किस तरह की की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई पर रिलीज़ किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2020 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वी के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मींस इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें इस क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकता है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी एक्शन एंड उसी के साथ साथ थ्रिल उसी के साथ साथ क्राइम ड्रामा ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को फैमिली इंपॉर्टेंस भी देखने को मिलेगी जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देख को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को नैनी सुधीर बाबू निविता थॉमस और उसी के साथ साथ अदिति राव हैदरी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी मोहना कृष्ण इंद्र गांधी ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के यहाँ पर जो है जिन्होंने डायरेक्शन को कंट्रोल किया है उनकी पास्ट मूवीज कौन कौन सी है तो उसी के साथ साथ यहां पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ की पास्ट मूवीज में आप लोगों को जेंटलमैन उसी के साथ साथ पावर अनलिमिटेड अम्मी थुमी आस्था चम्मा जेंटलमैन और और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ आप लोगों को जैसे माया बाज़ार गोलकोंदा हाई स्कूल ऐसी बहुत सारी मूवीज़ आप लोगों को उन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है हिंदी में अवेलेबल है या नहीं तो ये एक प्योर तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है जिसे में हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में एंड अभी फाइनली मूवी अवेलेबल है जी Prime वीडियो पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी रखी गई है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो हाँ ठीक ठाक रखी गई है तकरीबन एवरेज सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है कितनी टाइम ड्यूरेशन है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन है आई रेटिंग की बात करें तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की यूजर्सेंट तक मोहना कृष्ण इंद्र गांधी ने ही लिखा है जो कि की सारी की सारी तो तो काफी अच्छे तरीके से लिखी गई है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के प्रोड्यूसर्स कौन है तो दिलराजू शिरीश लक्ष्मण और हर्षित रेड्डी आज आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो पी जी विंदा आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे एडिटिंग की बात करें तो मरथन के वेंकटेश आप लोगों को इसकी एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे जी थमन एस और अमित त्रिवेडी प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे तो ये काफी अच्छी मूवी है जिसे आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा देखना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन भी दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी यह कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2020 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वी के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मींस इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकता है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी एक्शन एंड उसी के साथ साथ थ्रिल उसी के साथ साथ क्राइम ड्रामा ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को फैमिली इंपॉर्टेंस भी देखने को मिलेगी जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देख को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को नैनी सुधीर बाबू निविता थॉमस और उसी के साथ साथ अदिति राव हैदरी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी मोहन कृष्ण इंद्र गांधी ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है उसी के के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी पर जो है जिन्होंने डायरेक्शन को कंट्रोल किया है उनकी पास्ट मूवीज कौन कौन सी हैं तो उसी के साथ साथ यहां पर मैं आप लोगों को बताता चलूं कि उनकी पास्ट मूवीज में आप लोगों को जेंटलमैन उसी के साथ साथ पावर अनलिमिटेड अम्मी थूमी आस्था चम्मा जेंटल मैन और, और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ आप लोगों को जैसे माया बाज़ार गोलकोंदा हाई स्कूल ऐसी बहुत सारी मूवीज़ आप लोगों को उन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फ़ाइनली ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है हिंदी में अवेलेबल है या नहीं तो ये एक प्योर तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है जिसे

रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो हाँ ठीक ठाक रखी गई है तकरीबन एवरेज सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है कितनी टाइम ड्यूरेशन है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन है आई रेटिंग की बात करें तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करते चले इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्सेंट तक की स्टोरी लाइन को मोहना कृष्ण इंद्रगांती गांधी ने लिखा है जो कि काफी अच्छे तरीके से लिखी गई है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के प्रोड्यूसर्स कौन है तो दिलराजू शिरीश लक्ष्मण और हर्षित रेड्डी आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो पी जी विंदा आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे एडिटिंग की बात करें तो मरथन के वेंकटेश आप लोगों को इसकी एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे जी थमन एस और अमित त्रिवेडी प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे तो ये काफी अच्छी मूवी है जिसे आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा देखना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन भी दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक like यहां पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी यह कहां पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल दो हज़ार बीस में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वी के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मींस इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिक ल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकता है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या है? इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी एक्शन एंड उसी के साथ साथ थ्रिल उसी के साथ साथ क्राइम ड्रामा ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को फैमिली इंपॉर्टेंस भी देखने को मिलेगी जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को नैनी सुधीर बाबू निविता थॉमस और उसी के साथ साथ अदिति राव हैदरी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहां पर स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन

आस्था चम्मा जेंटलमैन और और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ आप लोगों को जैसे माया बाज़ार गोलकोंदा हाई स्कूल ऐसी बहुत सारी मूवीज़ आप लोगों को उन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर रिप्रजेंट किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फ़ाइनली ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है हिंदी में अवेलेबल है या नहीं तो ये एक प्योर तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी Prime वीडियो पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी रखी गई है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई तो की तो हाँ रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो हाँ ठीक ठाक रखी गई है तकरीबन एवरेज सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है कितनी टाइम ड्यूरेशन है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन है आई रेटिंग की बात करें तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तो की, पर की सारी, के सारी, सारी स्टोरी लाइन को किसने लिखा है, तो इस की स्टोरी को नहीं लिखा है जो कि काफी अच्छे तरीके से लिखी गई है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के प्रोड्यूसर्स कौन है तो दिलराजू शिश लक्ष्मण और हर्षित रेड्डी आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे की बात करें तो पी जी विंदा आप लोगों को इस मूवी की को संभालते हुए नजर आएंगे एडिटिंग की बात करें तो मराथन के वेंकटेश आप लोगों को को इसकी एडिटिंग संभालते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे जी थमन और अमित वेडी प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे तो ये काफी अच्छी मूवी है जिसे आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा देखना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन भी दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक like यहां पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी यह कहां पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एन बात करते हैं साल दो हज़ार बीस में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वी के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मींस इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिक ल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकता है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी एक्शन एंड उसी के साथ साथ थ्रिल उसी के साथ साथ क्राइम ड्रामा ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को फैमिली इंपॉर्टेंस भी देखने को मिलेगी जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को नैनी सुधीर बाबू निविता थॉमस और उसी के साथ साथ अदिति राव हैदरी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी मोहन कृष्ण इंद्रगांती ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के यहाँ पर जो है जिन्होंने डायरेक्शन को कंट्रोल किया है उनकी पास्ट मूवीज कौन कौन सी हैं तो उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि उनकी पास्ट मूवीज में आप लोगों को जेंटलमैन उसी के साथ साथ पावर अनलिमिटेड अम्मी थुमी आस्था छमा जेंटल मैन और और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ आप लोगों को जैसे माया बाज़ार गोलकोंदा हाई स्कूल ऐसी बहुत सारी मूवीज़ आप लोगों को उन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फ़ाइनली ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है हिंदी में अवेलेबल है या नहीं तो ये एक प्योर तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तेलुगो दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है जी Prime वीडियो पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी रखी गई है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो हाँ ठीक ठाक रखी गई है तकरीबन एवरेज सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है कितनी टाइम ड्यूरेशन है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन है आई रेटिंग की बात करें तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से पर जो लाइक किया गया वो है जी परसेंट तक जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की सारी की सारी स्टोरी लाइन को किसने लिखा है तो इस मूवी की स्टोरी लाइन को मोहना कृष्ण इंद्रगांती ने ही लिखा है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से लिखी गई है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के प्रोड्यूसर्स कौन है तो दिलराजू राजू लक्ष्मण और हर्षित रेड्डी आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो पी जी विंदा आप लोगों को इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालते हुए नजर आएंगे एडिटिंग की बात करें तो मराथन के वेंकटेश आप लोगों को इसकी एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे जी एस और अमित वेडी प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को श्री वेंटेश्वर क्रिएशन आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे तो ये काफी अच्छी मूवी है जिसे आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा देखना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन भी दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक like यहां पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी यह कहां पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एन बात करते हैं साल 2020 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वी के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मीनज इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिक मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकता है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं, तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी एक्शन एंड उसी के साथ साथ थ्रिल उसी के साथ साथ क्राइम ड्रामा ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को फैमिली इंपॉर्टेंस भी देखने को मिलेगी जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देख को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को नैनी सुधीर बाबू निविता थॉमस और उसी के साथ साथ अदिति राव हैदरी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी मोहना कृष्ण इंद्र गांधी ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के यहाँ पर जो है जिन्होंने डायरेक्शन को कंट्रोल किया है उनकी पास्ट मूवीज कौन कौन सी है तो उसी के साथ साथ यहां पर मैं आप लोगों को बताता चलूं उनकी पास्ट मूवीज में आप लोगों को जेंटलमैन उसी के साथ साथ पावर अनलिमिटेड अम्मी थुमी आस्था चम्मा जेंटल मैन और, और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ आप लोगों को जैसे माया बाज़ार गोलकोंदा हाई स्कूल ऐसी बहुत सारी मूवीज़ आप लोगों को उन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है हिंदी में अवेलेबल है या नहीं तो ये एक प्योर तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में एंड अभी फाइनली मूवी अवेलेबल है जी Prime वीडियो पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी रखी गई है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो हाँ ठीक ठाक रखी गई है तकरीबन एवरेज सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है कितनी टाइम ड्यूरेशन है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन है आई रेटिंग की बात करें तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करते चलेंगे इस मूवी को Google Google के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से पर जो लाइक किया गया वो है जी परसेंट तक जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की सारी की सारी स्टोरी लाइन को किसने लिखा है तो इस मूवी की स्टोरी लाइन को मोहना कृष्ण इंद्र ने ही लिखा है जो कि काफी अच्छे तरीके से लिखी गई है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के प्रोड्यूसर्स कौन है तो दिलराजू राजू लक्ष्मण और हर्षित रेड्डी आप लोगों को इसके प्रोड्यूस में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो पी जी विंदा आप लोगों को इस मूवी की को संभालते हुए नजर आएंगे एडिटिंग की बात करें तो मरथन के वेंकटेश आप लोगों को इसकी एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे जी थमन एस और अमित अमित्रिवेडी प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे तो ये काफी अच्छी मूवी है जिसे आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा देखना चाहिए हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2020 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वी को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन भी दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी यह कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2020 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वी के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मींस इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकता है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जी एक्शन एंड उसी के साथ साथ थ्रिल उसी के साथ साथ क्राइम ड्रामा ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को फैमिली इंपॉर्टेंस भी देखने को मिलेगी जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को नैनी सुधीर बाबू निविता थॉमस और उसी के साथ साथ अदिति राव हैदरी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की यहां पर स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जी कृष्ण ने जिन्होंने काफी सारी सारी डायरेक्शन को, को कंट्रोल किया है उनकी पास्ट मूवीज कौन कौन सी हैं तो उसी के साथ साथ यहां पर मैं आप लोगों को बताता चलूं कि उनकी पास्ट मूवीज में आप लोगों को जेंटलमैन उसी के साथ साथ पावर अनलिमिटेड अम्मी थूमी आस्था चम्मा जेंटलमैन और और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ आप लोगों को जैसे माया बाज़ार गोलकोंदा हाई स्कूल ऐसी बहुत सारी मूवीज़ आप लोगों को उन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फ़ाइनली ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है हिंदी में अवेलेबल है या नहीं तो ये एक प्योर तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है जिसे में हिंदी प्लस दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों की पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी है एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी रखी गई है क्या ये बहुत ज्यादा बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी की गई है तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो हाँ ठीक ठाक रखी गई है तकरीबन एवरेज सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है कितनी टाइम ड्यूरेशन है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन है आई रेटिंग की बात करें तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो, है, जो है, कि अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी को Google के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से यहाँ पर जो जो लाइक किया गया वो है जी 62 तक कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है अब हम बात करते हैं कि इस मूवी की सारी की सारी स्टोरी लाइन को किसने लिखा है तो इस मूवी की स्टोरी लाइन को मोहना कृष्ण इंद्र ने ही लिखा है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से लिखी गई है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी के प्रोड्यूसर्स कौन है तो दिलराजू राजू लक्ष्मण और हर्षित रेड्डी आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो पी जी विंदा आप लोगों को इस मूवी की को संभालते हुए नजर आएंगे एडिटिंग की बात करें तो मराथन के वेंकटेश आप लोगों को को इसकी एडिटिंग संभालते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे जी थम एस और अमित अमित्रिवेडी प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनी में देखने को मिलेंगे तो ये काफी अच्छी मूवी है जिसे आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा देखना चाहिए